माशाल्लाह रसगुल्ले ले आए थे मुंशी। हाँ जी बिस्मिल्लाह। कीटें जो है साथ साथ बिछाई जा रही हैं, स्टार्ट हो गई है और सीढ़ी पे जो है माल भरा जा रहा है और कुछ उधर भी। हाँ इमरान भाई, हो गया आपका काम मुकम्मल? हो गया, बाकी पढ़ाई होगी तावांगे से। हाँ रेत हमारी आ चुकी है, ये देखें। रात को मैंने जो है तकरीबन 10-11 का टाइम था रात का, तो मैंने ट्राली रेत की मंगवा लिया है, ये देख लें। ये रेत की ट्राली भी अल्हम्दुलिल्लाह मंगवा ली है और बजरी भी पड़ी हुई है कल की, और दूसरी बजरी बरीक उधर है, और शटरिंग वाले भाई भी आ चुके हैं क्योंकि इनका भी छत भराई के टाइम बहुत सारा रोल होता है, तो इन्होंने काम को सारा अंजाम देना होता है ताकि नीचे से कोई भी बाला फट्टी टूटती है या बाला निकल जाता है तो उसकी निगरानी के लिए ये ज़रूर होते हैं, तो ये साथ साथ काम करते रहते हैं। और बिजली वाले को भी अभी बुलाया है, कल भी आया था लेकिन अभी बुलाया है कि कल तो वैसे ही चक्कर लगा के गया है, आज उन्होंने करना था काम, तो अभी फ़ोन किया वो भी आ जाता है, और छत भराई वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारा जो है मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ओए ढोलू ना रेत बजाओ, कहाँ जा रहे हो? इधर कोई भी नहीं है, उड़े ही हैं सारे, चले जाओ घर, चले जाओ, बजरी ना बजाओ, चले जाओ, इवें इवें इथों इथों इवें इवें वंजो पे इवें मिनट लगाओ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं? उम्मीद करते आप ठीक होंगे, फिर फाट होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, और फरमान साहब पहुँच चुके हैं क्योंकि इस बार जो है हमारे काम करने के लिए नहीं आए, ये अपने ही काम के लिए आए हैं, तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तबीयत शबीयत सही है ना? तबीयत शबीयत भी इनकी माशाल्लाह फिट है। तो आपको मैं बताऊं, जो इसका भाई था ना सुल्तान, डॉक्टर था, तो उसने इधर एक अपनी क्लिनिक खोली हुई थी, तो काफ़ी सामान सामान रखा हुआ था, तो ये आया है वो सामान ले जाने के लिए, मतलब इधर से सामान रक्शे पे लोड करेगा फिर चतोई चला जाएगा अलीपुर, मतलब अपने घर चला जाएगा, तो वो सामान लेने के लिए ये पहुंच चुका है, तो इंशाल्लाह ये सामान लेकर जाएगा। मैंने कहा है आप 5-7 दिन इधर रेस्ट करो, लेकिन ये मानता ही नहीं है, पता नहीं इसको है क्या, ये बोलता है मुझे बहुत काम होते हैं। अच्छा वो जो है रेडी आ चुकी है, मुंशी भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाला हमारा सरिया जो पड़ा है ये बच गया है, इसको वापस भेजते हैं ताकि जो ऊपर वाली बिल्डिंग है ना वो हम पता है कब बनाते हैं, इसलिए इसके जो पैसे होंगे वो हमें बच जाएंगे, तो छत की भराई में और मटेरियल के पैसे नहीं दिए वो भी हमारे लिए कुछ कम हो जाएंगे ये वापस करने से, तो इसलिए मैंने कहा है मुंशी से वापस भिजवा दो, जब बनवाएंगे तब की तब देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली वाले भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिशियन साहब, इन्होंने अपनी फिटिंग जारी शुरू कर दी है, और वो देखें पैंप भी ले आए हैं जो इधर सारा सामान ले आए हैं, तो ये पमैश करके, ये इसमें लुए का नहीं होता, ये दिखाना जरा, अच्छा 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 मैं क्या शायद एवं ही होता। अच्छा जी इसके अंदर लुए का होता है, फिर इससे ना पंखा लटकाया जाता है, ये अभी रख देंगे फिर भराई हो जाएगा सीमेंट में, तो फिर बाद में इधर से हम पंखा लटकाएंगे क्योंकि ये जगह बनी हुई है ना।
अच्छा जी साड़ा चैनल बिजली वाला अमरान इलेक्ट्रिक 198 बिजली वाला नहीं इदा दसो ना कि साड़ा चैनल हैगा उधर ते असि बिजली दा काम दिखाने आ मुकम्मल बिजली दा काम ते चैनल दा नाम जेड़ा है वो अलग दसो आज असलम भाई दी वीडियो दिखावांगे अपने चैनल ते ते साड़े चैनल दा नाम हैगा अमरान इलेक्ट्रिक 198 चले सही है मैं भी सब्सक्राइब कर लेता हूँ और माशाल्लाह सब लोग आ चुके हैं छत की भराई के लिए तो अभी थोड़ी देर तक ये स्टार्ट करने वाले हैं आप अपना काम स्टार्ट करें आप अपना ओके हो गया जी हाँ इमरान भाई हो गया आपका काम मुकम्मल हो गया बाकी भराई होगी तावांगे असि हाँ जी बाकी काम मुकम्मल हो गया सीढ़ी ते बल्ब रख दिता वा जी तुहाडे किचन वास्ते ये बस 11-12 बजे मंगवा लेने उन्होंने कहा है जो ये मशीन वाले है ना कहा जब मशीन फिट हो जाए ना आपने देख का ऑर्डर दे देना और 2-3 घंटे कहते लगना है अपना काम हो जाना तो भी हुई थे आज भी अपना बंदा एक हाँ जी जो कहना पे ना बंदा आ जाना मैं कहना आज दसना वा हाँ जी साडे काम दे बारे ना साडे चैनल सब्सक्राइब करना वा हाँ इमरान इलेक्ट्रिक 198 ते तुसी नंबर भी दे दियो ना मेरे मेरे चैनल है नंबर दे दो ताकि इलाके वाले ना फिर आपके साथ रابطہ करेंगे फिर आप काम साडे व्हाट्सएप दा नंबर ही मौजूद है साडी वीडियो ते साडे चैनल च इमरान इलेक्ट्रिक 198 0302 3121 195 ओके हो गया जी सही हो गया आपका नंबर ओके हो गया है हां जी असलम असलम भाई दे वीडियो दे कमेंट विच दसना साडे काम दे बारे किदां तुहानू पसंद आया सही हो गया जी तो आपने ज़रूर बताना है कि भाई इमरान का काम जो है बिजली वाला जो इन्होंने सेटअप किया है आपको पसंद आया है कि नहीं आया माशाल्लाह मेरी नज़र में तो बहुत ही वीआईपी काट गया है अब मेरा दिल कर रहा है इसमें ना हम पानी की भी वायरिंग साथ कर देते हैं टूटियों की तो पानी जो है आता जाता रहेगा ये देखें मजे मजे के पैंप लगा दिए हैं भाई ने और ये कुप्पू भी लगा दिए हैं फिर इसके इनके नीचे गर्मी है जब तक नहाते रहेंगे फिर बाद में बिजली फिट करा लेंगे शावर बन जाएगा ये ले मेहरान चार्जिंग पे लगा दे पैप वो साथ में मोटर है वो लगा देते हैं माशाल्लाह मशीन लग चुकी है ईंटें जो है ऊपर चढ़नी स्टार्ट कर दी है वो देखें हाँ जी क्या हाल है ठीक हो माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया काम स्टार्ट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे अल्हम्दुलिल्लाह देख का भी ऑर्डर दे दिया है टाइम उनको बता दिया है कि इस टाइम तक ना हमें जो है देख चाहिए ओए पहुंच गए उस्ताद पैदल ही तौर के आए हैं आपका अपना मुंडा कैसी तबीयत है अब बस ठीक जख्म जुखम छुटे के नहीं बस छुट रहे जाते हैं माशाल्लाह और दूजा दूजा बेहोश हजे भी बेहोश अल्लाह रहम करे जी मैनू यार टाइम नहीं लगे आप चलिए शाम असल ये मैं रात नू गड्डी नहीं ना चला सकता अजे
ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਛੱਤ ਭਰਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲੇ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੋਂ ਕੋ ਸਮਝਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ अल्लाह पाक इनको सिया दे ये भी ज़ख्मी हैं लेकिन इन्होंने जो है ना मेरा बहुत साथ दिया है इन्होंने कहा है कि मैं नहीं कर सकता तो लड़का दे देता हूँ और भी एक मिस्त्री दिया है इन्होंने माशाल्लाह और मज़दूर भी दिए हैं अल्लाह पाक इनको भी इसका अजर दे माशाल्लाह इधर का काम जो है ये चल रहा है होता रहेगा इंशाल्लाह और ये भी देखें जनरेटर है इससे इन्होंने बिजली लेनी है और बिजली से जो है वो जो मशीन मिक्सर होती है ना वो चलती है मोटर के साथ उसके साथ मोटर लगी होती है वो फिर जनरेटर के साथ चलती रहती है तो इधर पहुंच आए हैं क्योंकि अकरम भाई का घर भी मैंने खाली करा दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और उधर से ना पर्दे का मसला होता है क्योंकि दीवारें तो है नहीं तो छत का काम है इसलिए अपनी फैमिली को भी इधर बुला लिया है और अकरम भाई की फैमिली को भी इधर बुला लिया है अब सारे लोग जो हैं माशाल्लाह इधर ही पहुंच चुके हैं तो चलते हैं देखते हैं कि इधर क्या हो रहा है माशाल्लाह ये देखें पहुंच गए हैं माशाल्लाह सारे इधर आ गए हो अब क्या हो रहा है नाश्ता हो रहा है माशाल्लाह नाश्ता कर लिया फिर देख कौन खाएगा देख तो 12-1 बजे आएगी ना अभी तो 8-9 बजे हाँ 12 बजे तकरीबन आएगी 3-4 घंटे है ना अच्छा इधर आपको फिर कैसा लग रहा है आज तो आपके घर में रौनक कर दी है मैंने रोज ऐसे अकेले ही इधर ही पड़ी होती थी सो रही होती है आज देखें आज मुझे सोकर दिखाया देखने वाले जो है सब्सक्राइब भी करें शेयर भी करें बेगम देखें कैसे माशाल्लाह कैसी तबीयत है वो मैं पता है क्या इसीलिए पूछता हूँ कैमरे के सामने ताकि देखने वालों को पता चले जी अच्छा वो डॉक्टर ने क्या क्या रोका है बोला सिस्टर ने फोन किया था उन्होंने कहा कि इनके लिए वो कीमा ले आए गोश्त ले आए मतलब अच्छी अच्छी चीजें ले आए तो मैंने कहा डॉक्टर ने ना ये चीजें काफी रोकी है जी। तो उन्होंने कहा शायद मुझे लगता है फिर इनको यरकान होगा गर्म चीजें वो रोकते हैं ना बड़ा गोश्त रोका है चावल रोके हैं और समोसे पकौड़े जैसे तली हुई जो चीज है वो भी रोकी है खट्टी चीजें भी रोकी है चीजें भी हाँ जी मतलब जो भी सख्त चीज है मैदे का प्रॉब्लम है यरकान हो या वैसे गर्मी की वजह से हीट की वजह से वो वरना या कोई जख्म वगैरह या सोजन आ जाती है ना इसी गर्म चीजें तली हुई चीजों से परहेज करनी चाहिए सब कुछ ओके हो जाए अच्छा मतलब आलू गोभी ये चीजें नहीं रोकी मतलब ठंडी सब्जियां ही खा सकती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हम अगर कीमा वगैरह मिक्स कर दें तो फिर भी रोका है हमने तो मना कर दिया बिल्कुल उन्होंने कहा देखना भी नहीं है जितने दिन दवाई चल रही है फिर 5वें दिन कहा था ना आज जाना था लेकिन आज छत की भराई हो रही है हम आज नहीं जा सकते तो कल जाएंगे फिर ड्रिपें लगवाने के लिए क्योंकि ड्रिपें लगाने से ना काफी फायदा होता है ऐसे बिल्कुल बंदे में थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो ना वो पानी की कमी होती है तो फिर बंदा ड्रिप लगवा ले फिर एक्टिव हो जाता है लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो ड्रिप लगवाते हैं ना फिर इनको हर साल ही लगानी पड़ती है मतलब आदत बन जाती है जैसे बंदे को किसी चीज की आदत लग जाती है ना फिर बोलते हैं ऐसा हो जाता है पूरा साल गुजर जाता साल बाद आदत याद आ जाती है पता नहीं वो बोलते हैं कि साल के बाद जो वही दिन आते हैं ना ड्रिप लगनी होती है ये बाकी साल क्यों नहीं असर होता पता नहीं ये बस ऐसी बुजुर्ग चले सही है आपने दुआ करनी है हमारी छत का जो है काम स्टार्ट हो चुका है मशीनें वगैरह हर चीज लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह देख का ऑर्डर दे दिया है और वो भी बन के आ जाएगी तो
ये मतलब डेंजरस काम होता है जी। इसमें काफ़ी मजदूर लगे होते हैं और ऐसे ख़तरनाक स्टैंप कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अल्लाह पाक जो है आसानियाँ करे, कोई ऐसी मुश्किल ना आए, खैर खुशी से हमारी छत डल जाए, फिर इंशाल्लाह बाद की बाद में देखेंगे। मिठाई आई रखे वो नहीं बांटे, काम शुरू हो गया। वो बांट देते हैं अभी, मुंशी आ जाए उसको फिर भेजता हूँ ना मिठाई लेके, फिर मैं कैमरा चलाऊंगा, वो मिठाई सबको बांट देगा, फिर शुरू कर देंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह का। नहीं नहीं भूलते नहीं है, वो खुद जो काम करने वाले हैं ना वो भी कहेंगे ओ भाई किधर है ले आओ मिठाई। हाँ जी चले सही है, ओके हो गया जी। ईंटें जो है साथ साथ बिछाई जा रही हैं, शरीर में मेज जो नीचा बच रही है ना उनमें जो है फिर मिसाला डलेगा। ईंटें बिछा रहे हैं खान में, ऐसे रख रहे हैं, दो दो ईंटें हैं ना उस्ताद जी जी, दो दो हैं। तो फिर वो जो है ना बाद में मिसाला भरेंगे, तो इससे जो है एक तो वाया जो है वो कम हो जाता है और मिसाला कम आता है, ऐसा ही है ना, मजबूती भी ज़्यादा होती है। हाँ जी खोल खोल डब्बा उठाऊं मैं शुरू कितिया उस्ताद करूं हाँ जी पता लग जाता है और ये बीच में भीम है और बाकी जो है ये ईंटें बिछा रहे हैं माशाल्लाह, मिक्स करके डाल रहे हैं सारी, और इधर से पट्टी भी लगा दी है ताकि मिसाला हमारा बाहर ना जाए, उधर से भी लगा दी है, ये भी साथ साथ मुकम्मल किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह करो, उस्ताद को ने शुरू किया मुंशी मिठाई बांट दे आज, वो छत की भराई हो रही है ना तो मिठाई बांटनी होती है, वो अलहमदुलिल्लाह मिठाई भी बांट रही है। हाँ माशाल्लाह रसगुल्ले ले आए थे मुंशी। हाँ जी बिस्मिल्लाह, इधर नू भी सही लगनी, टेंशन ना लो। हाँ जी माल ऐसा ऐसा जा रहा सीढ़ी से,
इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक नेक्स्ट जो व्लॉग है ना वो इससे भी बेहतर है और बहुत ही मज़ेदार होगा, तो आपने रहना हमारे साथ है। अभी तक के लिए हम इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।